अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून की कहानी सुनाएंगे। ज़ालिम बादशाह के दरबार में एक अमीर आदमी था, उसका नाम कारून था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था, लेकिन अल्लाह का नाफरमान और सरकश था। उसे फिरौन ने बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाने के लिए अपना वज़ीर बनाया हुआ था। वो बनी इसराइल के लोगों से बहुत ज़्यादा सूद ज़बरदस्ती लेता और उन्हें ग़ुलाम बना लेता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमेशा दौलत के लालच से कारून को रोका। वो कहते कि ज़ुल्म से फसाद पैदा होता है, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को माफ़ नहीं करते। लेकिन कारून पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने का कोई असर ना होता। कारून ऐश की ज़िंदगी गुजारता, जबकि बनी इसराइल के अक्सर लोग उसकी वजह से गरीब होकर ग़ुलाम बन गए। वो चलचलाती धूप में मेहनत करने पर मजबूर हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कारून को समझाते रहे कि खबरदार, दौलत अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह ताला देख रहे हैं कि क्या तुम हलाल कमाई करते हो, क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, क्या तुम गरीबों के लिए खैरात करते हो। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ही ना सुनता। वो अपने कीमती जवाहरात और जेवर पहन कर इतराता फिरता। ये जेवर वो अपनी शान दिखाने के लिए पहनने रखता। वो अकड़ कर कहता, ये दौलत मैं अपनी अकल से कमाई है, गरीबों को क्यों दूं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को अल्लाह के वो अज़ाब याद दिलाए जो पहले ज़माने में अल्लाह के नाफरमान लोगों पर आए थे, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। बनी इसराइल के कुछ लोग कारून की आन बान देख कर बहुत रश करते, लेकिन ईमान वाले लोग समझ गए कि अल्लाह का इनाम सिर्फ उसी को मिलता है जो अल्लाह का हुक्म माने और तकब्बुर ना करे। वो समझ गए कि कारून का अंजाम बुरा होगा। जब कारून फसाद से बाज ना आया तो उस पर अल्लाह का अजाब आ गया। एक शाम खौफनाक जलजला आया, जमीन हिलने लगी, लोग घबराकर घरों से बाहर आए और देखा कि कारून का महल और ख़जानों के कमरे ज़मीन में धंस रहे हैं। कारून की इतनी दौलत उसे अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकी। लोगों की आंखें खुल गईं और उन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। जी बच्चों, तो कैसी लगी आज की कहानी आप सबको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।